मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो टाइम मांग क्यों रहा है। क्या सोचना चाहता है वो? क्या वो अब भी मुझे समझना चाहता है? हम कितने अरसे से एक दूसरे के साथ हैं? अगर वो अब तक मुझे नहीं समझ सका तो कब समझेगा? सना बेटा, दोस्ती और चीज है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ये फैसला सोच समझ कर करना चाहता है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो तुमसे भी ये कहूंगा कि तुम्हें अपनी सोच के दरवाजे खुले रखने चाहिए। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि आज़र के लिए खुलता है, बस। वो इसलिए बेटा कि तुमने अपने आप को एक दायरे में कैद कर रखा। उस दायरे से बाहर निकलकर तुमने सोचा ही कुछ नहीं। सोचना चाहूं भी तो नहीं सोच सकती। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपकी आज़र से कोई बात हुई है? नहीं बेटा, मैं तो खुद उसके जवाब के इंतजार में हूं। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप समझते हैं कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है उसके पास? हो भी सकता है। बल्कि मैं तो तुमसे भी कहूंगा सना कि तुम्हारे पास भी दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? क्या क्या आज़र आपको अपना फैसला सुना चुका है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उसको लगता है कि तुम सिर्फ उसके लिए हो, इसलिए वो तुम्हारी कदर नहीं कर पा रहा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बेटा कि वो कितना मुश्किल पसंद लड़का है। इसीलिए आसानी से मिल जाने वाली मोहब्बत उसे नजर ही नहीं आ रही। तो मैं और क्या करूं? उसे स्पेस दो बेटा। स्पेस? इस स्पेस को किसी और ने फिल कर दिया तो? अव्वल तो ये कि अभी उसे खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन तुम उसे स्पेस दो ताकि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, उसे पता चल सके कि उसके दिल में क्या है। और यकीन रखो कि अगर तुम उसके दिल में हो तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारी जगह ले सके। और अगर तुम उसके दिल में नहीं तो आ गया आज़र, लंबी उम्र है इसकी।